धीरे 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 जाता हूँ ताकि दिखाई दे भागे ना हो। अरे 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 भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए, अरे सेठ बहुत दूर चले गए। दोस्तों हम जा रहे हैं नाथ मंदिर देखने और आप लोगों को आगे नाथ मंदिर दिखाई देगा, बहुत जबरदस्त सुहाना सफर है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर में, ये बहुत पुरातन काल का मंदिर है। माना जाता है कि वो पांडवों के काल का मंदिर है, उससे पहले नाथ मंदिर है और यहाँ के नक्शिकाम बहुत जबरदस्त है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए एक वीडियो में, एक नए सफर में। आज आप लोगों को एक ऐसा मंदिर दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को देखकर बहुत मज़ा आएगा, और एक ऐसा सफर है जिसके साथ आप लोगों को भी जाना है और हम भी आपके साथ चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी पे तीन बंदे थे, मैं, मेरे दो दोस्त और तीनों मिलके उसके मेरे दोस्त के गांव जा रहे थे, और वहाँ पे एक मंदिर है, वो उस मंदिर का मैंने वीडियो निकाला और मुझे लगा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ। और जाते जाते और एक मुझे चीज़ दिखाई दी जो आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँगा आगे, वो थे छोटे छोटे दो हरिन और वो पहाड़ी पे थे। मैं उनके पीछे गया कैमरा लेके और आप लोगों के लिए मतलब सीन दिखाऊं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वो देख के मुझे भाग गए। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, अभी ये देख सकते हैं रोड कितना अच्छा है। बारिश हो गई थी बहुत सारी और हर तरफ पानी ही पानी हो गया था, और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब नज़ारा था। आप लोगों को क्या ही बताऊँ, आपको वीडियो में आगे दिखाई देगा। तो चलिए अभी आप लोगों को मेन पार्ट बताता हूँ। बहुत बड़े वीडियो नहीं, मतलब बहुत बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी है, बस आप लोगों को इसको पूरा वॉच करना है। चले दोस्तों, पहले तो ये सीन हो गया कि हमें गाड़ी पे जाते जाते हरिन दिख गए दो, और मैंने जैसे गाड़ी रुकाकर उन हरनों का पीछा किया, और मैं जैसे ही गया, आप देख सकते हैं अभी मैं आगे गया और वो आगे ही थे मेरे सामने, और मुझे देखा वो भागने लगे। देख सकते हैं दो थे, दोनों के दोनों भाग के चले गए। मैं अगर देर से जाता ना तो अच्छे से शूटिंग निकाल पाता, तो तब तक वो बहुत देर हो गई थी, वो बहुत दूर निकल गए। मैंने कैमरा पूरा जूम कर दिया लेकिन वो बहुत दूर तक भाग गए थे, और बहुत मतलब क्या बोला, अभी बहुत मज़ा आ रहा था उधर। ये देख सकते हैं दो थे और एक उसमें से नीचे बैठ गया और एक वो खड़ा था, लेकिन क्या करे, अभी मेरा कैमरा इतना ज़्यादा जूम नहीं कर सकता ना, मोबाइल से शूट कर रहा था इस वजह से। तो बस ये इसके बाद मैं और आगे जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका। अगर मैं आगे जाता तो वो और दूर भाग के जाते, लेकिन हमको अलग जगह पर जाना था और आपको मंदिर भी दिखाना है, इसके वजह से हम लोग इधर ज़्यादा देर नहीं रुके। बस थोड़ा सा उनका पार्ट लिया और मैं वापस चल गया और गाड़ी से अपना ट्रैवलिंग चालू किया। अभी सीधा हम उस मंदिर की तरफ दिखाते हैं उस मंदिर का सीन आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो मंदिर, तो ये बहुत ज़बरदस्त मंदिर है और ये पड़ता है लोनी भापकर में, इंडिया में बारामती के साइड में लोनी भापकर महाराष्ट्र में। तो ये बहुत अच्छा मंदिर है ये, और यहाँ पे नक्शे काम इतना ज़बरदस्त है इस मंदिर का। हर एक जगह पर आप लोगों को नक्शे मिलेंगे, हर एक पिलर पर नक्शे मिलेंगे, ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पे शंकर भगवान की पिंड भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं ओम लिखा हुआ है, और हर तरफ मतलब शांति थी और इतना ज़बरदस्त लग रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ से मैं कहीं निकल ही ना जाओ, यहाँ पे ही बैठूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ इस पिलर पे कितनी सारी नक्शे आए, कितना बारीकी से काम किया है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब पुरातन काल का ये मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पे आप लोग डिटेलिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी है, और इसी तरह से मंदिर या और एक मंदिर था इस गांव में, लेकिन टाइम की वजह से हम लोग नहीं देख पाए। तो आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, देख सकते हैं कितना नक्शेदार है, मतलब एकदम बारीक बारीक। सोचिए दोस्तों उस ज़माने में कितना नक्शे काम होता था, वो भी पत्थरों में, इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर होना होता था और इतना ज़बरदस्त काम करते थे कारागिर। और आजकल की आप लोग बिल्डिंग देख सकते हैं कैसे, और उस टाइम पे पत्थरों में इतना ज़बरदस्त काम किया करते थे। यहाँ पर भगवान की आरती लिखी थी और आगे भी एक और पिलर था, और यहाँ पे ऊपर पे की तरफ आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। हाल ही में इस मंदिर को कलर दिया है, उसकी वजह से और शोभा आई है। और यहाँ पे भी ये दो
पिलर है और यहाँ पे आगे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नक्शिया कितनी ज़बरदस्त है और ये कैमरा में इतनी सुंदर दिख रही है, तो सामने से तो कितनी सुंदर दिख रही थी। मैं आप लोगों को बस अपने कैमरे की तरफ से दिखाना चाहता था। और यहाँ पे पालकी थी और यहाँ से मंदिर का अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि अभी दोपहर की तरफ टाइम हम गए थे तब वो मंदिर बंद होता था। तो अभी बाहर थोड़ा सा जाके मैं आप लोगों को सीन दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये मंदिर। यहाँ पे देख सकते हैं बाहर से ये मंदिर कितना ज़बरदस्त दिखता है, नया नया कलर दिया हुआ था और ये देख सकते हैं बाहर से कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और यहाँ पे दो नंदी के भी थे और छोटे छोटे नंदी थे, उसके सामने शंकर भगवान की शिवलिंग था और वो बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे देखा है कितने दो छोटे नंदी है एक सामने सामने और उनके सामने देख सकते शंकर भगवान के शिवलिंग है और ये यहाँ पे देख सकते हैं उनके ऊपर भी नक्शी काम किया हुआ है दो, और उनके सामने नाथ मंदिर है, नाथ भगवान का मंदिर है और ये देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बहुत ज़बरदस्त नक्शे काम है। आप लोगों को यहाँ पे एक बार विजिट करना ही चाहिए। यहाँ पे शिवलिंग देख सकते हैं और उसके सामने ये मंदिर भव्य मंदिर, बहुत ज़बरदस्त मंदिर है और ये पूरा पत्थरों में बना हुआ है और बहुत पुराना मंदिर है। और ये यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अच्छा ज़बरदस्त नज़ारा है, हमें तो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और उसी के पास में एक तालाब है, मतलब तालाब में क्या बोलते हैं, आड़ बोलते हैं या वीर बोलते हैं हमारे भाषा में, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो है, ये भी बहुत पुराना है। और इसके अंदर मेरे दोस्त को एक कछुआ दिखा था लेकिन मैं जाने से पहले वो अंदर की तरफ भाग गया तो वो नहीं दिखा सका। तो यहाँ पे देख सकते हैं और एक यहाँ पे पत्थर के ऊपर एक मूर्ति है, उन्होंने डिज़ाइन बनाए हुए ये शेर जैसा दिख रहा है कुछ, और ये पत्थरों में कैसे रखा होगा पता नहीं सकता लेकिन ये देख सकते हैं ये पुराना है बहुत, इसको कलर दिया है गोल्डन कलर और बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मूर्ति दिख रही है, मतलब ये पत्थर कैसे लगाया होगा उस ज़माने में मैं तो सोच नहीं सकता। उस समय के आर्किटेक्चर जो बनाने वाले थे उनको मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ से। और ये मंदिर का डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त है और चारों बाजू से पत्थरों से घेरा हुआ है, मतलब दीवार है इस मंदिर को। और नाथ भगवान का मंदिर है लोनी भाकर में, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे मूर्तियाँ भी इसके सामने बनाई गई है। ऊपर की तरफ गणेश जी का मूर्ति है बीच में और बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ है, मैं सबके नाम तो नहीं जानता लेकिन बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे विज़िट करना चाहिए और आप लोगों को ये वीडियो में मज़ा आया होगा ना देखने में तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आने वाले दिनों में ऐसे अलग अलग मंदिरों की आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो यहाँ से देख सकते हैं बाहर की तरफ से नज़ारा कितना ज़बरदस्त है, ये देखा कितना ज़बरदस्त मंदिर है। अभी मैं बस तारीफ़ ही करता जा रहा हूँ, तारीफ़ के मतलब कितनी भी तारीफ़ करो वो कम है हमारे पूरा। तो इतना मंदिर ज़बरदस्त है हम लोग विज़िट नहीं करते, विज़िट करना चाहिए हमारे मंदिरों में। Hello, hello.